फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल द सुरभीज कैसल। आज के व्लॉग में कोई धक्का मुक्की नहीं करने का, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है बोलने के लिए, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है बाकी व्लॉग से। मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी सैलून उसके बाल चपटे कराने के लिए, क्योंकि उसके बाल हो रखे थे बहुत ज़्यादा डैमेज। तो हमने सोचा था कि स्मूदनिंग और कलर कराएंगे, जिससे उसको ना एक न्यू लुक भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने स्मूदनिंग और बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि इसके बाल ऑलरेडी बहुत डैमेज है, तो कलर के बाद और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें और बताई थी, केराटिन और काफ़ी चीज़ें फलाना ढिमकाना पता नहीं। तो हमने तो वही कराया था, बोटॉक्स और स्मूदनिंग, पर इसका जो मन है वो बेचारी का दुखी हो गया था। क्योंकि ना सोचे जाओ कि कुछ और ये कराना है और कुछ और कराना पड़े, तो थोड़ा सा हो ही जाता है, मन दुखी हो जाता है। तो बेचारी को मैंने फालतू के जोक्स मार के ना इसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया। अच्छा, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इसके साथ दिक्कत ये है ना, ये ना खुद खाती है ना मुझे खाने देती है। ये अपना सेहत का राज मेरे साथ शेयर करना चाह रही है, अपनी सेहत भी मुझे अपनी तरह पहलवान बना के छोड़ेगी ये तो, पर मैं तो नहीं बनने वाली। अच्छा, ये व्यू लेने के लिए मैं ऊपर चढ़ गई। मैंने कहा ये व्यू चाहिए मुझे, अभी देखो ये अभी व्यू मिलेगा तो मैं देखो ये जो व्यू है इसके लिए मैं उसके ऊपर चढ़ गई। फिर उसके बाद भैया जो है अच्छे से मसाज वसाज कर रहे थे इसके बालों की। मैं सोची थी काश मैं होती इसकी जगह, तो मज़ा आता, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, तो क्योंकि मुझे तो बहुत सही लगता है मेरे बालों में कोई गुदगुदी करे ना तो मज़ा सा आ जाता है। अच्छा, ये था फाइनल लुक, ये देखो मुड़। अच्छा, ये देखो मुड़ की। तो फिर अच्छा, ये स्कूटी, इस स्कूटी को जितनी भी तारीफ करो ना उतनी कम है। ये ख़राब हो गई थी वहाँ पे, चलने मतलब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अगर मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगी अपने चैनल पर तो सीधा चलान मेरे चैनल पे ही आएगा। अच्छा, तो आंटी ने ना चावल बना रखे थे, मैंने चावल बनाने के लिए बोला था, बड़े टेस्टी थे यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अच्छा, ये जो बैठा है ना आंटी के साइड में, ये मेरा बेस्ट बेस्ट भाई है, बेस्ट बेस्ट भाइयों में से एक है। बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको यही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।